हेलो जिक्स, कैसे आप सब? आज एक और बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में एज एक्सपेक्टेड हम बात करेंगे द मोस्ट रिक्वेस्टेड स्टोरी ऑफ द डे, इमरान खान के यूनाइटेड स्टेट्स के कामयाब विजिट के बारे में, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की मीटिंग के हवाले से, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग इश्यूज उठाए गए, जिसमें ऑब्वियसली अफगान पीस प्रोसेस, पाक अमेरिका ट्रेड, ईरान कोलिशन सपोर्ट फंड और अनएक्सपेक्टेडली कश्मीर इशू। ये सारे सब्जेक्ट्स जिन पर दोनों लीडर्स के दरमियान बहुत ही डिटेल में बातचीत हुई, हम इसको ज़रा क्लोजली एनालाइज करेंगे। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की जब मीटिंग हो रही थी तो उस दौरान इंटरेस्टिंगली, सरप्राइजिंगली और अनएक्सपेक्टेडली सबसे पहले वो खबर निकली जिसकी किसी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, कश्मीर इशू के हवाले से। पूरी दुनिया के मीडिया पर ये हेडलाइंस लगना शुरू हो गई कि ट्रंप ने कहा है कि मैं तैयार हूँ कश्मीर इशू पर बात करवाने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो और भी काफ़ी मज़े की चीज़ें हैं, हम डिटेल में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इससे पहले, अगर आपने ये पैट्रियोटिक टी शर्ट अभी तक नहीं खरीदी और आप पाकिस्तान या UAE में बैठे हैं तो अभी के पेज पर जाएं और इनबॉक्स कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की मीटिंग एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर रही, और जैसे कि मैंने इस वीडियो में एक उम्मीद का इजहार किया था कि दोनों लीडर्स के दरमियान जो पर्सनल केमिस्ट्री है, जो पर्सनल इंटरेक्शन है, उसको डेवलप होने दिया जाए, ना कि स्क्रिप्टेड और जो पहले से प्री डिफाइंड इंगेजमेंट होती है उसके कंपेरिजन में, क्योंकि जो पर्सनल ताल्लुकात होते हैं उनकी नौीयत ही कुछ और होती है। और हमने देखा कि एज एक्सपेक्टेशंस वही हुआ, और दोनों लीडर्स के दरमियान जब दोनों ने बातचीत शुरू की तो एक जो नेचुरल केमिस्ट्री थी वो हमें बनती नजर आई। दोनों एक दूसरे की बात सुन रहे थे, एक दूसरे को इंडोर्स कर रहे थे, और कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि किसी ने एक दूसरे को कन्फ्रंट करने की कोशिश की हो या एक दूसरे को गलत प्रूव करने की कोशिश की गई हो। दोनों लीडर्स ने अपने दिमाग से बात की, कोई स्क्रिप्टेड इंगेजमेंट हमें नज़र नहीं आई, कोई पर्ची वाला सीन नहीं था कि पर्ची से देख के पढ़े हो, जैसा कि हम पास में देखते हैं स्पेशली जो हमारे सिविलियन हुक्मरान थे। और ये काफ़ी अरसे बाद हमें देखने को मिला कि पाकिस्तान की तरफ से गया हुआ लीडर बिल्कुल आज़ादाना अपने जहन से वो बोल रहा था। मतलब दोनों लीडर्स ने अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जितने भी इश्यूज थे, जैसे कि कश्मीर, ट्रेड, अफगानिस्तान, उन पर खुल कर बात की। और एक और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ के दोनों लीडर्स को जो कम्युनिकेशन थी उसमें कोई किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, दोनों एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पर्सनल केमिस्ट्री को डेवलप करने के लिए। व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने इस इंगेजमेंट के बाद एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने सारी डेवलपमेंट्स बताई कि किस तरह इमरान खान को वेलकम किया गया, उसके बाद मीटिंग, और फिर बायलैटरल सतह पर जो डेलीगेशन की मीटिंग होती है वो, और उसके साथ ही की अहलिया मिलानिया ट्रंप ने भी इमरान खान के बारे में एक बड़ी जबरदस्त ट्वीट की जिसको पूरी दुनिया ने देखा। और सबसे मजे की बात है, इमरान खान की जो मीटिंग थी ट्रंप के साथ, उसका जो हैशटैग था, हैशटैग खान मीट्स ट्रंप, वो पूरी दुनिया में एक मौके पर टॉप ट्रेंड बन गया था ट्विटर पर। और इसी तरह इमरान खान ने जो जलसा किया था Washington DC में, वो भी एक मौके पर पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड टॉप ट्रेंडिंग पर था। ट्रंप का अगर हम पास पैटर्न देखें ना, तो कुछ लीडर्स जिनको वो इनवाइट करता है हेड ऑफ द स्टेट्स को व्हाइट हाउस में, उनके साथ थोड़ी सी कन्फ्रंटेशन भी करता है, मतलब हैंडशेक के हवाले से हमने देखा एंजेला मर्कल, जस्टिन ट्रूडो, इनके साथ इसने काफ़ी कुछ मौक़ों पर होस्टाइल एटीट्यूड अपनाया। लेकिन वही ट्रंप जो पाकिस्तान के खिलाफ एक साल पहले बड़ी जहरीली ट्वीटें कर रहा था, कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान भी एक होस्टाइल रवैया फेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान कोई बहुत ही कोई चाइना लेवल का अलाया यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसके साथ उसकी बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है, और उसको ट्रंप बचाना चाहता है। मतलब इससे जाहिर होता है कि ट्रंप और अमेरिका का जो पाकिस्तान की ज़रूरत है वो काफ़ी हद तक है अफगानिस्तान में, यानी काफ़ी ज़रूरत है उनको पाकिस्तान की, इस वजह से उनके जो तेवर हैं पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल चेंज है। ना सिर्फ कन्फ्रंटेशन या कोई होस्टाइल एटीट्यूड देखने को नहीं मिला, बल्कि हमने ये देखा बहुत से पॉजिटिव जेस्चर्स शो किए गए ट्रंप की तरफ से। मतलब उन्होंने बार बार इमरान खान की तारीफ की, इमरान खान को वो इंडोर्स करते रहे, और बड़ी उन्होंने इस हवाले से तारीफ की कि ये एक नई लीडरशिप है जो पाकिस्तान के लिए बहुत अजीम साबित होगी फ्यूचर में। और ट्रंप ने यह भी कहा कि इस नई लीडरशिप के साथ हम बहुत सा काम करने को तैयार हैं और ऑलरेडी कर रहे हैं। ट्रंप की इस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज की दो रीजंस हैं। सबसे पहली रीज़न तो Washington DC में जो जलसा हुआ इमरान खान का, जो जितने बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी अमेरिकन उसमें शरीक हुए, और हमने जोश देखा कि किस तरह एक बहुत ही ज़बरदस्त समा था, यानी इमरान खान साहब ने अमेरिका Washington में उनके कैपिटल में ऐसा जलसा किया कि शायद हिस्ट्री में किसी लीडर ने आउटसाइड अमेरिका का कोई लीडर उसने अमेरिका में आके इतना बड़ा जलसा नहीं किया होगा, मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताएँ। तो उस शानदार
جلسے کی وجہ سے ایک بہت ہی کمال میسج کیا گیا پوری دنیا کو اور اسپیشلی امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ یار یہ بندہ واقعی پاپولر ہے. افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے کافی کچھ پیڈ کیمپینز کی عمران خان کے خلاف کہ یار یہ آرمی کا پپٹ ہے یا یہ یا سلیکٹڈ ہے یا یہ لاڈلا ہے یا فلانا ٹمکانا, کئی کی ورڈز انہوں نے یوز کیے اور کرتے رہتے ہیں, اور اس وجہ سے عمران خان کو اور پاکستان کے برانڈ کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. وہ ایسی چیزیں لکھتے ہیں کہ جی پاکستان میں صرف آرمی سب کچھ کر رہی ہے. یہ ایک پورا نیریٹو پھیلایا ہوا ہے جس میں کئی لابیز انوالو ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, جس میں پاکستان کے کچھ لوگ ہیں اینٹی عمران بریگیڈ, وہ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ جرنلسٹ ہیں, کچھ انڈین لابی میں کچھ لوگ ہیں جیسے مودی سرکار میں, امریکہ میں ایک اینٹی پاکستان لابی ہے کانگریس میں. تو یہ جب تینوں ملتے ہیں لیکن بیسک مواد جو بیسک کانٹینٹ ہے وہ پاکستان میں بنایا جاتا ہے, اور اس دفعہ بھی بھرپور کوشش کی گئی کہ اس پورے دورے کو ناکام کیا جائے, اور افسوس کے ساتھ یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ جب یہ عمران خان کی نفرت میں کچھ کر رہے ہوتے ہیں آپ جو مرضی کریں عمران خان کے ساتھ, لیکن پاکستان کا کیس نہیں خراب ہونا چاہیے. لیکن وہ سارا کیس پاکستان کے حق میں کس نے کیا جس کا سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو, جو پاکستانی امریکنز جو وہاں جلسے میں آئے اور بھرپور طریقے سے انہوں نے شرکت کی اور پوری دنیا کو میسج دیا کہ یار کہ یہ جو سلیکٹڈ کا کچھ لوگوں کے ذہن میں آ گیا تھا نا باقی باہر کی دنیا میں کہ یہ ہو سکتا ہے یار یہ سلیکٹڈ ہو, جتنے آرٹیکلز لکھے گئے یار کسی بھی باہر کے بندے کو آپ اگر 10 بار ایک چیز پڑھاؤ گے کہ یہ سلیکٹڈ ہے یا آرمی کا پپٹ ہے تو وہ اس پر یقین کرنے لگے گا کیونکہ اس کو گراؤنڈ ریئلٹی کا نہیں پتا. تو انہوں نے بھی وہاں پر اس کی پاپولر سپورٹ دیکھی, اور ٹرمپ نے بھی اپنی نہ صرف آنکھوں سے دیکھی بلکہ اس کا انہوں نے ذکر بھی کیا. تو لوگوں کی اتنے میسیو لیول پر سپورٹ ایک لیڈر کی الٹیمیٹ پاور ہوتی ہے جو اس کو انیبل کرتی ہے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھا سکے کہ پتر میرے پاس بھی کافی اسٹریٹ پاور ہے. یہ چیز کسی بھی لیڈر کو سب سے زیادہ لیتھل بنا سکتی ہے, عوامی پاور. تو لیڈر چاہے جو مرضی ہو, عمران خان ہو یا نواز شریف ہو, جب وہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہ پاکستان کا جھنڈا لے کر جاتا ہے اور وہ پاکستانی ہوتا ہے بیسیکلی. تو اگر آپ اپنے پرائم منسٹر کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے کنٹری کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے ملک میں اس کو جتنی مرضی گالیاں دیں آپ کو کوئی نہیں کچھ کہے گا, لیکن انٹرنیشنلی پلیز ہمارا کیس نہ خراب کریں, ریکویسٹ ہے آپ سے. تو یہ تینوں لابیز جن کا میں نے آپ کو بتایا جو پوری طرح سے سرگرم تھی عمران خان کا یہ جو وزٹ ہے اس کو فیل کرنے کے لیے, امریکہ میں بیٹھے ہمارے ڈیاسپورا نے اس پوری کیمپین کو بری طرح سے ناکام کر دیا. تو ہیٹس آف ٹو دیم. تو کمنگ بیک ٹو دا میٹنگ, عمران خان پاپولر سپورٹ کا ایک ہیوی مینڈیٹ لے کر وائٹ ہاؤس انٹر ہوئے. ٹرمپ نے بھی یہ چیز دیکھ لی تھی اور اس حوالے سے ٹرمپ نے بھی کافی عزت اور تمیز کے ساتھ استقبال کیا. اندر بھی ہم نے دیکھا کہ دونوں ایک دوسرے کو انڈورس کرتے رہے اور ٹرمپ اپروول بھی لیتے رہے کئی باتوں کی. جب وہ اپنا سینٹینس کمپلیٹ کرتے تھے تو عمران خان کی طرف دیکھتے تھے, مطلب ایک اوور آل پازیٹیو انگیجمنٹ تھی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کن کن ایشوز پر بات ہوئی اور کیا بات ہوئی. کشمیر ایشو پر ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی جب عمران خان نے ٹرمپ کو کہا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ایز اے پاورفل کنٹری اپنا کردار ادا کر سکتا ہے کشمیر ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے. تو ٹرمپ نے اس حوالے سے جواب دیا کہ میری مودی سے ابھی ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے جس میں مودی نے مجھے کہا کہ آپ ایک میڈیٹر کا کردار ادا کریں کشمیر ایشو پہ, اور جواباً عمران خان نے کہا کہ آپ کو پورے سب کانٹیننٹ کے لوگ دعائیں دیں گے اگر آپ اپنا اس میں کردار ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک تھلی مچ گئی اسپیشلی انڈیا میں, انڈیا کے جرنلسٹ فوراً ٹویٹ کرنا شروع ہو گئے کہ یار یہ کیا ہے. انڈیا کا تو انڈیا نے تو اپنا ایک سٹانس بنایا ہوا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو صرف پاکستان سے کریں گے, تو فوراً مودی گورنمنٹ سے سوال پوچھنا شروع ہو گئے. اور رات 12 بجے کے قریب انڈیا کی جو فورن منسٹری ہے اس کی طرف سے ٹویٹ آئی اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کو, اور انہوں نے کہا کہ مودی نے ایسی کوئی بات نہیں کی ٹرمپ سے. مطلب نیو دہلی میں رات 12 بجے عمران خان اور ٹرمپ کی میٹنگ کے نتیجے میں انڈیا کے کچھ ڈپلومیٹس کی نیندیں ایویں حرام ہو گئیں. ٹریڈ کے حوالے سے مجھے بہت خوشی ہوئی. آبویسلی اس طرح کی جو انگیجمنٹس ہوتی ہیں وہ اتنی میننگ فل نہیں ہوتی کیونکہ اصل ٹاکس بیہائنڈ دا کیمراز ہوتی ہیں, لیکن وہاں پر جو ٹرمپ نے بات کی نا وہ کافی میننگ فل تھی. ٹرمپ نے جب ٹریڈ کی بات کی پاکستان کے حوالے سے تو انہوں نے پاکستانی پروڈکٹس اور ان لوگوں کی تعریف کی جو یہ ٹریمینڈس پروڈکٹس بناتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی پیپل بہت ہارڈ ورکنگ ہیں اور وہ بہت ہی کمال کی چیزیں بناتے ہیں, اور ہم پاکستان سے جو ہماری ٹریڈ ہے جو ریسنٹلی اس میں
इजाफा हुआ है, हम इसमें और इजाफा चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि अभी कई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर ही नहीं किया गया और जो मौजूदा ट्रेड है उसको हम 10-20 टाइम्स तक बढ़ाना चाहते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज थे। आई सी ग्रेट ट्रेड विद पाकिस्तान एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बिट मोर, आई एम टॉकिंग अबाउट वी कुड गो 10 एंड इवन 20 टाइम्स व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। यू नो पाकिस्तान इज अ बिग कंट्री, इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग कंट्री एंड they have tremendous product, they make great product, they make tremendous, I bought from Pakistan over the years when I was in the private sector, they make incredible product, they're brilliant people, you could go 10 times more, you could go 20 times more, because what we do right now is not much, and we should do a lot. We were within a very short period of time, start having very significant trade with Pakistan. तो ये बहुत ज़्यादा welcoming था पाकिस्तान के लिए, और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि अमेरिका और पाकिस्तान की इस वक्त तकरीबन 6.6 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है, जिसमें पाकिस्तान 3.6 बिलियन डॉलर्स की जो चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, और अमेरिका हमें 2.9 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है। मतलब पाकिस्तान को ट्रेड सरप्लस है जब, यानी कि ट्रेड डेफिसिट नहीं है जब हम अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं, यानी कि सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए वो ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को, ये जो रजाक दाऊद साहब भी गए हैं, बात करें पाकिस्तान का जो कोटा है डिफरेंट चीज़ों में अमेरिका में, वो उसको बढ़ाएं ताकि मजीद चीज़ें हम एक्सपोर्ट करें और ओवरऑल हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा हो। अफगान पीस प्रोसेस, ये ऑब्वियसली एक मेन एजेंडा था दोनों मुल्कों के दरमियान, और पिछली दो वीडियोस में मैंने इस हवाले से बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, और मैंने बताया था इस वीडियो में कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी कि अमेरिका, रशिया, चाइना अब एक चौथे पार्टनर को वेलकम करते हैं पाकिस्तान को, और ऑफिशियली पाकिस्तान के रोल को रिकग्नाइज करते हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो एज है अफगानिस्तान के हवाले से वो और किसी मुल्क को भी नहीं है। और इस चीज को रिपीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा कि पाकिस्तान के पास जो अफगानिस्तान के हवाले से पावर है वो काफी ज्यादा है, इसीलिए पाकिस्तान को अपना जो पॉजिटिव किरदार है अफगानिस्तान में वो प्ले करना चाहिए, और वो कर भी रहा है। इस मौके पर ट्रंप ने थोड़ा सा लताड़ दिया अपनी और पाकिस्तान की प्रीवियस गवर्नमेंट्स को कि इन्होंने पास्ट में कुछ सही इंगेजमेंट्स नहीं की थी जिसकी वजह से नुकसान हुआ दोनों मुल्कों को, लेकिन उन्होंने कहा कि अब जो हमारी इंगेजमेंट है नई लीडरशिप के साथ वो बहुत बहुत बेहतर है, और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से। एक बोंगी मार गए वहाँ पर ट्रंप साहब, मतलब काफ़ी लोगों को ऑफेंसिव लगी बात कि ट्रंप साहब ने कहा कि हम फौरन वो जंग जीत सकते हैं, मतलब हम, हमारे पास वो पावर है कि हमारे पास ऐसे बॉम्ब हैं जो हम गिराकर जी सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि वहां पर हम मिलियंस ऑफ लोगों का कत्ल करें। उसके बाद फिर वो उन्होंने एक सीधी बात की कि पाकिस्तान मिलियंस ऑफ लाइव्स बचा सकता है अफगानिस्तान में, इसलिए पाकिस्तान को हमारी भरपूर मदद करनी चाहिए, उन्होंने वहां पर रिक्वेस्ट की। वहाँ पर इमरान खान का वो बात दोहराना बनता था जो उन्होंने दोहराई, और बहुत खुशी हुई जो उन्होंने पाकिस्तान का नैरेटिव एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बयान किया कि भाईजान है ये आपकी जंग थी जिसमें हम इन्वॉल्व हुए, जिसमें हमारे 70,000 लोग शहीद हुए, और हम तो शुरू से ही कह रहे थे, पाकिस्तान 2001 से कह रहा था कि अफगानिस्तान में जंग से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा और अल्टीमेटली आपको मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। स्पेशली इमरान खान जब के पॉलिटिक्स में आए, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, जब पॉपुलर हुए, उनका शुरू से यही स्टांस था कि हम कभी लड़ के कुछ नतीजे हासिल नहीं कर सकते अफगानिस्तान में। उन्होंने थोड़ी हिस्ट्री भी बताई अफगानिस्तान की, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो उम्मीद है कि ट्रंप को भी वो कुछ समझाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली आपको भी पता है कि ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कुछ लोग अमेरिका में पाकिस्तान पर, ये दरअसल उनके अपने कुछ बिलियनर्स और बिजनेसमैन के इंटरेस्ट हैं जो वो जंग को कंटिन्यू रखना चाहते थे। खैर, ये एक दूसरा टॉपिक है। Apart from Afghanistan, the country that wants peace in Afghanistan more than any other country is Pakistan, because we get directly affected by it. And Pakistan needs stability. We have had 15 years of fighting this war on terror, over 70,000 Pakistani casualties, over $150 billion lost to the economy. So we desperately want peace. तो अफगान पीस प्रोसेस से ही रिलेटेड पाकिस्तान का जो कोलिशन सपोर्ट फंड था जो पाकिस्तान को अमेरिका दिया करता था कुछ साल पहले, और उन्होंने बंद कर दिया था, वो बज़ाहिर तो दुनिया को ये दिखाया गया कि जी हमारे ताल्लुकात नहीं अच्छे, लेकिन हकीकत ये थी कि पाकिस्तान जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था वो पाकिस्तान ने देना बंद कर दी। सिंपली ये कोई हमें एड उड़ नहीं दे रहा था 1.3 बिलियन डॉलर्स की, जो हमें वो बड़ा कहते हैं हम आपको पैसे देते हैं, हमारे भी 150 बिलियन डॉलर्स हमारे पैसे लगे हैं जंग में, और 1.3 बिलियन डॉलर जो एक इतनी सी हम अमाउंट लेते थे वो हम अपनी सर्विसेज का लेते थे।
थे जो हमने रूट्स प्रोवाइड किए हुए थे नेटो फोर्सेस को, जो हमारी नेटो सप्लाई लाइंस थी उसके लिए। तो अभी भी जो भी हम अपना किरदार अदा करेंगे, ऑब्वियसली अगर हमारे रिसोर्सेज लगे कुछ मिलिटरीली या किसी हवाले से भी, तो ऑब्वियसली हम उसके पैसे चार्ज करेंगे। कोई मुल्क किसी के लिए फ्री में तो नहीं काम कर सकता। तो ये एक नैरेटिव बनाया हुआ था कि जी एड थी और हमने इसको सजा के तौर पर रोक दिया, ये सब टीचर है। और अब अगर अमेरिका को इसी तरह की कोई चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली वो हमें पैसे देगा। उसको उन्होंने नाम दिया हुआ है कोलिशन सपोर्ट फंड, और ऑब्वियसली हमें भी वो पैसे लेने चाहिए अगर हम उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं या उनकी मदद कर रहे हैं। हमें आगे ही अपनी इकॉनमी में बड़े मसाइल का सामना है, हम क्यों अपने पल्ले से इनके लिए पैसे दा करें। तो वो पैसे हैं जो हमें ज़रूर लेने चाहिए अगर हम इनकी हेल्प करते हैं। अब हम एंड पर बात करेंगे इस दौरे की कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में जो पाकिस्तान की तरफ से की गई। हिस्ट्री से अगर हम कंपैरिजन करें तो ऐसा शायद पहली बार हुआ कि हमारे जो स्टेट के तीन मेन ऑर्गन्स हैं, जैसे कि सिविलियन गवर्नमेंट, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और आपकी मिलिट्री, तीनों मिलकर अमेरिका गई हैं और अपने अपने काउंटर पार्ट्स के साथ इन्होंने तफसीलन सारा डिटेल से बातचीत की है। मतलब हमारा जो आर्मी चीफ गए हैं, GHQ की पेंटागन से इंगेजमेंट, इमरान खान की डोनाल्ड ट्रंप से इंगेजमेंट, और ISI के चीफ की CIA के चीफ के साथ इंगेजमेंट, जो भी अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से या बॉर्डर पर जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है उस हवाले से। तो एक क्लियर पैगाम गया है अमेरिकन्स को कि भाई इस बार तो ये इकट्ठे हैं। और पहले तो हम अक्सर पास में देखते थे कि जब जरदारी की, अब मैं एक एग्जांपल जरदारी के दौर की दूंगा, कि उस दौर में ये 2010-11 में टोटली रास्ते जुदा थे हमारी मिलिट्री और हुकूमत के, जो कि एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है पाकिस्तान के लिए। इनको मिलकर काम करना चाहिए। कुछ अमेरिका में कुछ लोग फिर क्या करते थे, गवर्नमेंट की हमदर्दियाँ करते थे और कुछ लोगों की हमदर्दियाँ फौज के साथ होती थी। तो इस बार वो चीज़ बिल्कुल नहीं है, एक यूनिफॉर्म मैसेज। तो सिविलियन दौरों में तो ये होता रहा कि थोड़ा सा इख्तलाफ होता था, लेकिन मिलिट्री दौरों में हम बड़े बड़े खुल के जाते थे, क्योंकि जो पावरफुल बंदा होता था, जो आर्मी चीफ होता था, वो अल्टीमेट पावर होता था। दूसरी जो पॉजिटिव और यूनिक चीज़ हुई है, बड़े अरसे बाद हमें ये देखने को मिला है कि पाकिस्तान से एक सिविलियन लीडर गया है और वो टोटली अपने दिमाग, अपने ज़ुबान, अपने दिल की बात कर रहा है। वो किसी पर्ची पर देख कर नहीं पढ़ रहा, वो कोई फॉरेन ऑफिस की तरफ से उसको जो स्क्रिप्ट मिला होता है वो उसको देख कर नहीं पढ़ रहा। एक नेचुरल इंगेजमेंट हुई है, पर्सनल केमिस्ट्री डेवलप हुई है दोनों लीडर्स के दरमियान। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे दुनिया को पता लगता है आपकी सीरियसनेस का। अब आप खुद सोचें कि प्राइम मिनिस्टर और बात कर रहा हो, प्रेसिडेंट और बात कर रहा हो, आर्मी चीफ और बात कर रहा हो, तो मतलब वो कहते हैं यार क्या लोग हैं। और भी कई छोटी छोटी अच्छी चीज़ें देखने को मिले जिनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। पूरे स्टेट प्रोटोकॉल के साथ ही गए प्राइम मिनिस्टर, अपनी एक प्राइवेट कमर्शियल फ्लाइट पर गए और हमने देखा कि नईमुल हक साहब ने कोई ट्वीट की हुई थी कि पहले $4.5 लाख के करीब लगता था और अब $50,000 सिर्फ लगा है। तो अगर ये बात बिल्कुल सच्चाई है इसमें, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा फॉक्स न्यूज़ का जो एंकर था वो कुछ चलाकी दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसको भी इमरान खान साहब ने याद करवाया कि भाई ये हमारी जंग नहीं थी, इससे इसमें जो गलतियां हुई वो हमसे हुई, लेकिन हमारे भी 70,000 लोग शहीद हुए। तो ये मत भूलो, अगर तुम्हारे 3,000 लोग मरे तो हमारे 70,000 लोग। तो एंड पर मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान में मौजूद उन जर्नलिस्ट से, उन पॉलिटिकल पार्टी से और उस ब्रिगेड से जो इमरान खान से नफरत करती है, यार आप इमरान खान को गालियाँ दें, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। आप उसको जो मर्जी कहें, जब वो पाकिस्तान में होता है आप पार्लियामेंट में उसको बोलने ना दें, आप उसके खिलाफ कैंपेन चलाएं, धरने करें, जो मर्जी करें, लेकिन जब आपका प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है ना, तो जब आप उस वक्त आर्टिकल्स लिखना शुरू हो जाते हैं जो पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ नहीं जाते, तो यकीन कीजिए यार आप पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं कर रहे। आपको अपने इस रवैये पर ज़रा नज़रसानी करनी चाहिए। आप अपने गिरेबान में देखिए, कहीं आप पाकिस्तान का केस तो नहीं ख़राब कर रहे। एंड पर एज़ यूजुअल मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है कि ट्रंप, इमरान खान और मोदी तीनों पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं और तीनों ये चाहते हैं कि हम एक कुछ ऐसा कर जाएं कि वो बड़े अरसे तक याद रखा जाए। तो जो मसला कश्मीर का हल है वो एक ऐसा काम है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। तो क्या ख्याल है आपका, इमरान खान, मोदी और ट्रंप मिलकर मसला कश्मीर के हवाले से कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाल सकते हैं जिसको सदियों तक याद रखा जाए? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।